आपको नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी फार्मेसी पे क्वेश्चन करते हैं, डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड डी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी, मेडिसिन से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड किसी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है डिप्लोमा इन फार्मेसी से या हॉस्पिटल की ट्रेनिंग से रिलेटेड, आप भी क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। जो भी विद्यार्थी डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट करके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने आते हैं, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमसे क्वेश्चन करते हैं और कमेंट करते हैं, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बहुत लोगों को उससे लाभ मिल सके। साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, उसमें कोई क्वेरी है आप कमेंट करेंगे, मैं उसको जरूर आंसर दूंगा। इजी स्टडी फार्मेसी हमारा यूट्यूब चैनल है। साथियों, इजी स्टडी फार्मेसी के नाम से हमारा पेज भी है, फेसबुक पेज। आप हमसे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर, मैंने बीएससी कंप्लीट कर लिया है और मैं डी फार्मेसी करूं, क्या सही रहेगा, स्कोप है या नहीं, प्लीज रिप्लाई सर। विद्यार्थी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी करने की इच्छा जताई है, लेकिन पहले उससे बैचलर डिग्री कर लिया है। साथियों, इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इनके पास बैचलर डिग्री पहले से है। अगर इन्होंने क्वेश्चन में कहा होता बी फार्मा कर लूँ, तब तो मैं इनको जरूर मना करता और मैं कहता कि आप डी फार्मा करिए। हालांकि विद्यार्थी ने कहा है डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का कोर्स है। साथियों, दिस इज टेक्निकल कोर्स। साथियों, ये क्या है कि ये जो है मतलब समझ लीजिए कि आप एक तरह से टेक्निकल हो गए हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास एक स्पेशल डिग्री आ गई है और उससे आप जो है समझ लीजिए कि बहुत अच्छा जो है काम भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। साथियों, सोसाइटी के लिए हेल्प का मतलब ये होता है कि बहुत से केमिस्ट की दुकान पे आते हैं और पूछते हैं कि भैया ये दवा किस काम आएगी या किस लिए होती है। लोकल में भी लोग पूछने लगते हैं, घर के आसपास भी लोग पूछने लगते हैं। तो हमारा फार्मासिस्ट हमेशा उसका काम किया है कि डोज के बारे में बताने का, मरीज को दवा देना और डोज बताना ये फार्मासिस्ट का काम है, और सही राय देना फार्मासिस्ट का काम है। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि विद्यार्थी को डी फार्मा जो इन्होंने इच्छा जाहिर की है, डी फार्मा जरूर करना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा में अंतर क्या होता है, साथियों मैं बताऊँगा। डी फार्मा 2 ईयर का कोर्स है और 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है, जबकि बी फार्मा बैचलर डिग्री है और 6 मंथ की इंडस्ट्री की ट्रेनिंग है और 45 डेज या 30 डेज की हॉस्पिटल की भी ट्रेनिंग है। साथियों, बी फार्मा बैचलर डिग्री है जो कि इंजीनियरिंग में मैथ है। साथियों, उसको आप करने के बाद साथियों आप जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो और साथियों ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सरकारी जॉब के लिए ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मेडिसिन के प्रोडक्शन में जा सकते हैं, मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं। साथियों, अपग्रेड करके अपनी एजुकेशन को आप लेक्चरर या टीचर भी बन सकते हैं। अगर बी फार्मा हैं आप तो डी फार्मा वालों को पढ़ा सकते हैं, अगर आप अपग्रेड एम फार्मा कर लेते हैं तो बी फार्मा वालों को आप पढ़ा सकते हैं। साथियों, बहुत से कॉलेज और इंस्टीट्यूट सभी जगह खुल गए हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं और जहाँ पर भी इसके बारे में जॉब ढूंढेंगे तुरंत आपको जॉब मिलेगा। साथियों, उसी तरह से डी फार्मा है, डी फार्मा जो है 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग है। साथियों, ये क्लिनिकल में मैप है। क्लिनिकल का काम होता है कि इंजेक्शन लगाना, ड्रेसिंग करना, दवा का रखरखाव करना, दवा की डोज को बताना मरीज को, इंजेक्शन लगाना, सभी काम जो है डी फार्मा का है। इसीलिए जहाँ भी आप जाएंगे, सीएससी, पीएससी, 100 बेड हॉस्पिटल्स, एम्स है साथियों, पीजीआई है, रेलवे के हॉस्पिटल हैं, एचएल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक के हॉस्पिटल हैं, कहीं भी जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी के फार्मासिस्ट सरकारी जॉब पाते हैं, क्योंकि ये क्लिनिकल में मैप है। साथियों, इसमें क्या होता है, दवा का रखरखाव और दवा का वितरण और दवा को कहने का मतलब है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग का काम जो है फार्मासिस्ट का है। तो साथियों, अगर आप डी फार्मा कर लेंगे तो साथियों आपके पास ड्यूअल स्पेशलाइजेशन होगा, क्योंकि पहले से आप बीएससी हैं, और डी फार्मा हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर कहीं फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है तो आप फट से जो है जॉब के लिए आप एंट्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद साथियों क्या है कि अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, साथ ही साथ आप
जो है क्या कहते हैं कि हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, क्लिनिक में साथियों, और जो है बड़े बड़े मेडिकल स्टोर पे, और जो है क्या कहते हैं कि जो मैं एक्सप्रेस वे पे एम्बुलेंस चलती हैं, फास्ट एड के लिए एम्बुलेंस होती हैं, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। बहुत तरह की साथियों जॉब है। ब्रॉड में जाएंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों। तो साथियों कहने का मतलब है डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर आप कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री पहले से है, आप कोई बैचलर से गवर्नमेंट का फॉर्म है, बैंक का है, रेलवे का है, किसी का भी है, आप बैचलर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डी फार्मा एक आपके पास टेक्निकल डिग्री होगी जिसका लाइसेंस आपके पास हो जाएगा, ग्रीन बुक हो जाएगी, उसे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, सरकारी जॉब कर सकते हो साथियों, और जो है क्या होता है कि प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कोर्स है साथियों, और समय समय पे जॉब निकलती रहती है। जैसे कि आपकी अगर फिटनेस अच्छी है, फिजिकल अच्छा कंप्लीट कर लेते हैं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल CRPF होती है, उसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, BSF में निकलती है, आर्मी में निकलती है, रेलवे में निकलती है, इंडो तिब्बत पुलिस में निकलती है, बहुत इसकी जॉब जो है निकलती है। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।